नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में, जिसमें हम रिपोर्टर्स से उनके विधानसभाओं का हाल जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि चुनावी माहौल इस वक्त बेहद गर्म है। समय बहुत कम बचा है, तस्वीर लगभग साफ होती हुई नजर आ रही है। तो हम उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों का जो दौरा है रिपोर्टर के माध्यम से करते थे और आपको तस्वीरें दिखाते थे, लेकिन आज हम उत्तराखंड के अलग अलग जिलों का दौरा आपको करवाएंगे और वहां पर चुनावी माहौल कैसा है ये तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको मैं तस्वीरें कुछ दिखाना चाहती हूं। देखिए, उत्तरकाशी और हल्द्वानी की तस्वीरें हैं। यहाँ पर कितना विकास हुआ है, गाँव तक विकास की गति क्या पहुँच पाई है, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की आज हम कोशिश करेंगे। और ये देखिए, जो सड़कें हैं वो पूरी तरह से यहाँ पर क्षतिग्रस्त नजर आती हैं। इसके अलावा कुछ शहरी इलाके ऐसे हैं जहाँ पर विकास थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन ग्रामीण इलाके ऐसे हैं जो अब तक विकास से कोसों दूर नजर आते हैं। तो हल्द्वानी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, हल्द्वानी में फिर भी जो अव्यवस्था है वो सही नज़र आती है, जो आम लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं जागरूक नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा अगर उत्तरकाशी की मैं बात करूं तो यहाँ पर माहौल बेहद अलग नज़र आता है। उत्तरकाशी से मेरे सहयोगी सुमित मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं उनका रुख करूंगी, उसके बाद मुकेश हल्द्वानी से मेरे साथ जुड़ेंगे। सुमित, फिलहाल उत्तरकाशी में माहौल कैसा है चुनावी अगर हम देखें तो? बिल्कुल, मैं उत्तरकाशी की बात करूं, उत्तरकाशी विधानसभा की बात की जाए तो यहां पर जो माहौल है, गर्मा गर्म माहौल है। हर प्रत्याशी अपनी सीट की दौड़ में है और हर प्रत्याशी अपने क्षेत्र भ्रमण में लगे हुए हैं। जहां पर मैं उत्तरकाशी की विकास की बात करूं तो यहां पर जो लोगों का कहना है, जो यहां पर जनता का कहना है कि विकास यहां पर अभी तक कुछ दिख नहीं रहा है। इस बार यहाँ पर जो नया चेहरा है सीएम के फेस में अजय कोठियाल जी इस बार उत्तरकाशी गंगोत्री विधानसभा से सीट लड़ रहे हैं, तो देखना ये होगा, क्योंकि ये एक हॉट स्पॉट सीट कहा जाती है गंगोत्री विधानसभा से, जहां से यहाँ से प्रत्याशी चुन के जाता है उसी की राज्य में सरकार बनती है। तो यहाँ पर कई लोग हैं जो स्थानीय लोग मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। चलिए ठीक है, सुमित पहले उनसे पहले तस्वीरें दिखाइए। हल्द्वानी इस वक्त कैसा दिखाई दे रहा है मौसम, क्योंकि बहुत अच्छा बना हुआ है तो हम भी इस खूबसूरती का नजारा लेना चाहेंगे। इसके अलावा जो वहां पर लोग मौजूद हैं उनसे भी हम बात करेंगे, उन्हें इस वक्त कैसा महसूस हो रहा है। 3 मुख्यमंत्री बीजेपी ने बदले हैं, क्या उन पर विश्वास जताने की तैयारी हल्द्वानी के लोगों ने कर ली है या फिर वहां पर कुछ और ही माहौल बना हुआ है? बिल्कुल, मैं सरकार की बात कहें, बीजेपी सरकार अभी सत्ता में है, पर यहाँ पर जो जनता है थोड़ा बीजेपी सरकार से नाराज जरूर है कि 3-3 मुख्यमंत्री बदले गए हैं। और जैसे यहाँ पर जो विकास की बात की जाए, जैसे लोगों को कहना है कि बीजेपी सरकार के दौर में काफी जो गैस की मात्राएं हैं, सिलेंडर की मात्राएं, वो काफी हद पार हो चुकी है और पेट्रोल का दाम काफी बढ़ चुका है, जो जिसका असर सब सब काश्तकारों पर और गरीबों पर पड़ रहा है। ठीक है सुमित, आप तस्वीरें दिखाइए हमें और वहां पर जो आम जनता है उनसे मुलाकात कराइए। जी बिल्कुल, मैं आपको यहां पर कुछ काश्तकार लोग हैं और कुछ बीजेपी से प्रत्याशी हैं हमारे साथ, यहां के क्षेत्रीय प्रधान हैं। तो क्या कहना है सरकार इस बार, क्या क्या लग रहा है आपको? इस बार जो है पूरी परिवर्तन की लहर है और एक किसान का बेटा, एक गरीब को इस बार जो भारतीय जनता पार्टी ने जो अंतिम छोर का व्यक्ति है जो उसको टिकट दिया है, इस बार जो है गंगोत्री विधानसभा जो प्रचंड बहुमत इस बार भाई सुरेश चौहान की जीत हो रही है। माँ गंगा की यही पुकार अब की बार सुरेश चौहान। यहाँ पर भाजपा के प्रत्याशी हैं और कुछ यहाँ पर जो काश्तकार हैं जो अपने दुकानें देख रहे हैं, तो इनसे भी पूछना चाहते हैं क्या लग रहा है इस बार गंगोत्री विधानसभा से किसकी सीट निकलने वाली है? गंगोत्री विधानसभा से जो है सीट जो है उसकी कांग्रेस पार्टी की निकलने वाली है, क्योंकि भाजपा राज में देखो इतनी महंगाई हो रही है, सिलेंडर देखो तुमने 500 से लेकर के 1000 पे पहुंच गया है, सब्जी के दाम ले लो आप और कई चीजें सारी चीजें हैं। देखो ये गंगोत्री का जो ब्रिज है, आलमेदा रोड अभी तक कुछ नहीं बन पाया है, 10 साल पूरे हो चुके हैं लेकिन रोड में कोई काम नहीं हो पाया। जी आपका क्या कहना है, बीजेपी सरकार रही है सत्ता में, क्या विकास आपको देखने को मिला? बीजेपी के हिसाब से तो कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे डबल इंजन की सरकार हो गया है, लेकिन
जैसे सड़कें हैं, शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है, ये यहाँ पर उस हिसाब से तो है नहीं कुछ। जी, साफ तौर पर यहाँ पर लोगों का कहना है कि जो बीजेपी सरकार रही है उसमें अभी तक कुछ देखने को नहीं मिला है। जैसे रोड की आपने विजुअल में आपने देखा है कि रोड की जो सुविधाएं हैं वो अभी ठीक नहीं हो पाई है। यहाँ पर साफ साफ तौर पर उनका यही कहना है। सुमित, कुछ और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ दुकानदार हैं, क्योंकि मैं पीछे आपके देख पा रही हूँ ये कुछ मेन रोड नजर आ रहा है और इसके पास साइड में दुकानें हैं, तो ऐसे में इन लोगों को किन किन तकलीफों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इनकी रोजी रोटी जो है यहीं से चलती है, लेकिन कोरोना काल में दुकानें पूरी बंद हुई, लॉकडाउन जैसे हालात इन्होंने झेले हैं, तो छोटे दुकानदार किस तरह का माहौल उनके बीच देखने के लिए मिल रहा है, कि एक बार फिर से वो बीजेपी को सपोर्ट करने वाले हैं या फिर कोई दूसरा विकल्प चुनेंगे? जी जी, मेरे साथ अभी दुकानदारी मौजूद हैं, इनसे पूछना चाहता हूं कि आपको किस हिसाब से यहां पर महंगाई का दौर है, किस हिसाब से आपको देखना पड़ रहा है यहां पर? ये देखो, यहां सब्जी के दामों में जो है बहुत उछाल चल रहा है और कई चीजें हैं इसमें जो है रेटों में जो है अनाप शनाप रेट चल रही है, और फिर वो है कि क्या नाम है उसका, हर चीज के जो सामान है वो हर चीज महंगा। इस बार गंगोत्री विधानसभा में किसकी सरकार बनने वाली है, कौन विधायक के तौर पर आएगा? सरकार बनने वाली विजयपाल भाई। जी, साफ तौर पर कहना है कि इस बार बीजेपी के जो यहां पर प्रत्याशी हैं, यहां पर लोग मन बना लिया है कि इस बार कांग्रेस की सरकार को हम देखेंगे और उस पे अमल करेंगे। अच्छा, एक बार फिर से कांग्रेस पर विश्वास जताने की तैयारी उत्तरकाशी के लोगों ने कर ली है? जी देखिए सुमित, अगर हम उत्तरकाशी की बात करें तो यहाँ के विधानसभाओं में जो विधायक हैं, क्या अपने क्षेत्र में पहुँचते हैं, अपने लोगों का हालचाल जानने की कोशिश करते हैं? क्योंकि जब हम कोई भी मतदाता वोट डालने जाता है या कोई भी सरकार बनती है तो उससे उम्मीदें होती हैं कि वो अपने क्षेत्रवासियों के पास जाएगा, उनसे वहां पर कैसे हालात निकालने की कोशिश करेगा, उनको किस तरह की तकलीफ है, किस तरह की सुविधाएं मिल रही हैं, क्या कुछ नहीं मिल रहा है, ये जानने की कोशिश करेगा। क्या उत्तरकाशी में ऐसा कोई विधायक है जो जनता को बहुत ज्यादा प्रिय हो? जी बिल्कुल, मैं इस पे बात करूंगा। जहां पर अभी प्रत्याशी अजय कर्नल कोठियाल जी भी हैं और जो जनता के बीच में जा रहे हैं, जिन्होंने आज ही कल उत्तरकाशी का जो मैप आपको हमने दिखाया था होगा विजुअल में, उन्होंने यहां पर जो भी योजना है, उत्तरकाशी की जो समस्या है, जैसे रोड की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है और बिजली की समस्या है, कहीं कहीं तरफ की मांगे उन्होंने यहाँ पर जनता को रखी है कि अगर हमारी सरकार आती है, आम आदमी पार्टी की सरकार आती है, तो जो उत्तरकाशी में पार्किंग की व्यवस्थाएं हैं, पानी की व्यवस्था है, वो बिल्कुल ठीक किया जाएगा। और यहाँ पर जो बीजेपी की सरकार और कांग्रेस की सरकार लगातार आती जा रही है, हर टाइम कभी बीजेपी की कभी कांग्रेस की सरकार यहाँ पर देखने को मिली है, तो इस बार लोग कर्नल कोठियाल को भी काफी पसंद कर रहे हैं, जो गरीबों के बीच में जा रहे हैं और उनसे उनकी राय ले रहे हैं और उनका गाँव की जो समस्या है उनको देख रहे हैं। यानी ये समझा जा सकता है कि बीजेपी की सरकार देख ली, कांग्रेस की सरकार देख ली, इस बार आम आदमी पार्टी को भी कहीं ना कहीं लोग पसंद कर रहे हैं, या ये समझ ये सिर्फ शहरी क्षेत्रों में है या गांव में भी आम आदमी पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर रही है? बिल्कुल, आम आदमी पार्टी कर्नल कोठियाल जी गांव-गांव में जा रहे हैं, दूर दराज से गाँव में जा रहे हैं, जहाँ पर अभी रोड की जो समस्या है, रोड की जो दिक्कतें हैं, वहां पर पैदल मार करके अपना गांव के जो युवा हैं, गांव के जो बुजुर्ग हैं, उनके साथ बैठ रहे हैं, गांव की जो समस्या है वो बता रहे हैं कि आपकी सरकार बीजेपी सरकार इतनी रही है, कांग्रेस सरकार रही है, तो क्या यहां पर क्या व्यवस्था है, स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है, सबसे वो जानकारी इस बारे में ले रहे हैं। सुमित, उत्तरकाशी की सबसे ज्यादा परेशानी क्या है, यहाँ के लोगों को किन किन परेशानियों से दो चार होना पड़ता है हर साल? देखिए, अगर प्राकृतिक आपदा की मैं बात करूँ तो उस पर किसी का जोर नहीं है, लेकिन उसके लिए तैयारियां पहले से कितनी रखनी है, उसके बाद किस तरह की तैयारियां रखनी है, इस पर हम बात करेंगे। जी बिल्कुल, उत्तरकाशी की जो समस्या है, जो सरकार यहाँ पर दावा करती है कि ये हम जल्दी से इसका सुचारू करेंगे, इस कार्य को हम आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पर उत्तरकाशी में पार्किंग की जो समस्या है, जो पार्किंग की समस्या, वो काफी काफी दिक्कतें यहाँ पर होती है, और यहाँ पर जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है, खासकर जो दूर दराज गांव के लोग अपना उपचार करने के लिए जिला अस्पताल में आते हैं, तो उन्हें यहाँ पर वो सुविधाएं नहीं मिलती है, वो गरीब युवा होते हैं, गरीब
गांव के होते हैं और वो इस चक्कर में उन्हें देहरादून रेफर किया जाता है, जो सुविधाएं उत्तरकाशी में नहीं मिल पाती है। यानी सुविधाओं का अभाव है उत्तरकाशी में। शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है सुमित यहाँ पर? जी, स्वास्थ्य व्यवस्था की तो बात की जाए पर जो यहाँ पर जैसे कहीं गांव के लोग जो गरीब युवा हैं, जो गरीब लोग हैं, वो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में जब अपना इलाज करवाने आते हैं तो यहाँ पर उन्हें वो व्यवस्था नहीं मिल पाती है, जिसके कारण उन्हें देहरादून जाना पड़ता है और इसमें काफी उनका खर्चा लग जाता है। इसीलिए यहाँ पर जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है वो उस हिसाब से ठीक नहीं है। तो उसको लेकर क्या विधायक जी आम जनता तक पहुंचते हैं और आम जनता क्या अपने विधायक के पास जाती है और उनसे कहती है कि आप आइए हमारे क्षेत्र में और देखिए किस तरह के हालात बने हुए हैं? क्या आम जनता जागरूक है इतनी? बिल्कुल, आम जनता का यही कहना है कि अब यहाँ जो गंगोत्री विधानसभा की जो सीट हम बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी का ही अभी तक जो दबदबा रहा उनका ही रहा प्रत्याशी। और यहाँ पर जो कांग्रेस की बात की जाए, अभी जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो है विजयपाल सजवार जी, वो आम लोगों के बीच में भी जा रहे हैं और इस चीज को भी बता रहे हैं कि जो मेरी सरकार में जो कार्य हुए थे वो धरातल पे उन्हें दिखा रहे हैं। बिल्कुल सुमित, देखिए हमने यहाँ पर ये जाना कि स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है, शिक्षा व्यवस्था कैसी है, इसके अलावा वहाँ के लोग अब क्या मन बना रहे हैं, इससे अब तस्वीर कहीं ना कहीं साफ हो रही है कि एक बार फिर से कांग्रेस पर कहीं ना कहीं विश्वास जताने की कोशिश जो है आम जनता कर रही है। लेकिन बीच में आम आदमी पार्टी भी आ रही है। देखिए आम आदमी पार्टी ने बहुत ज़्यादा प्रलोभन आम जनता के सामने रखे हैं, बिजली फ्री देना, बेरोजगारी भत्ता देना, बसेस में फ्री सेवा देना, इन सबको लेकर आम जनता क्या कह रही है, किस तरह की चर्चाएं उत्तरकाशी में चल रही हैं? बिल्कुल, उत्तरकाशी गंगोत्री विधानसभा की जो मैं बात करूं, यहां पर जो गंगोत्री विधानसभा से जो प्रत्याशी जीत के जाता है उसी की सरकार राज्य में बनती है, ये अभी तक जो सिलसिला है अभी तक जारी है। तो यहां पर जो सीट है सबसे यहां पर महत्वपूर्ण जो जो विधायकों की जो कैंडिडेटों की जो दौड़ है, जो चुनाव प्रचार में लगे हैं, उनके जो दावे हैं रोड को यात्रा सृजन के लिए पूरे ढंग से सुचारू किया जाए और स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं के लिए ग्रामवासियों में इनकी बातें रख रहे हैं। तो जो अजय कर्नल कोठियाल जी हैं वो गांव-गांव में इन चीजों को बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर हमारी सत्ता आती है तो हम इस चीज पे बिल्कुल काम करेंगे और आपकी जो भी समस्या, आपकी जो हमारे उत्तरकाशी गंगोत्री विधानसभा की जो समस्या है उनको पूरी तरह से ठीक किया जाए। इसके अलावा देखिए सुमित, अगर हम बात करें उत्तराखंड के, तो उत्तराखंड के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर पलायन की तस्वीरें बहुत सालों से हम देख रहे हैं। उत्तरकाशी में भी कई बार पलायन हुआ है क्योंकि युवाओं को रोजगार नहीं मिल पाता है। जैसा कि अभी हमने बात की, शिक्षा व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है, कई गांव ऐसे हैं जिनका मुख्य मार्गों से या शहरों से संपर्क नहीं हो पाता है, कई बार हो जाता है तो संपर्क टूट जाता है प्राकृतिक आपदा के चलते। तो ऐसे में वहां का युवा उत्तरकाशी का इस बार क्या कह रहा है? जी बिल्कुल, मैं यहाँ की बात की उत्तरकाशी विधानसभा की बात करूँ, ये जो उत्तरकाशी के जो युवा है वो एक यात्रा सीजन पर निर्भर होते हैं और पर्यटक पर निर्भर होते हैं, जहाँ पर यहाँ पर पर्यटकों की अपार संभावनाएं हैं, जहाँ पर कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर युवा प्लान करके नीचे अपना काम कर रहे हैं, गांव को बिल्कुल प्लान हो रहा है। तो लोगों का यही कहना है कि हमारे क्षेत्र में पर्यटक की इतनी बड़ी अपार संभावनाएं हैं, अगर सरकार इस पर नजर रखती है, पर्यटक की दृष्टि में इस पर बड़ा नजर रखती है, तो इस बार हम उसी सरकार को देखेंगे जो हमें अपने क्षेत्र में युवाओं को स्वरोजगार करने की एक बड़ी भूमिका। सुमित, उत्तरकाशी में कौन कौन से क्षेत्र ऐसे हैं जो पर्यटन के लिहाज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और वहां पर एक बहुत अच्छा क्षेत्र जो है पर्यटकों के लिए बनाया जा सकता है ताकि यहां पर रोजगार भी बढ़े, दूसरा यहां के जो व्यवसायी हैं उनको भी काम मिले, जो छोटे व्यापारी हैं उनको काम मिल सके, जो पटरी लगाते हैं, ठेले लगाते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत मिल सके? जी बिल्कुल, मैं जहाँ पर यात्रा सीजन की बात की जाए या पर्यटक की जो देखा जाए तो यहाँ पर हर्षिल क्षेत्र काफी मशहूर है घूमने के लिए, जो पर्यटक काफी पसंद करते हैं, यहाँ पर अभी तक बर्फबारी है और लोग काफी अच्छा घूमना पसंद करते हैं। पर कहीं ऐसे जो ट्रैक हैं, जो ऐसे कहीं पगडंडियां हैं, ऐसे कहीं मार्ग हैं जो अभी तक सरकार के नजरों में नहीं है, जिसका जो यहाँ के युवा चाहते हैं कि इसे एक बड़ा नाम मिले और पर्यटक इस पे देखे और पर्यटक घूमने के लिए आए, जिसमें हमारे घोड़े, खच्चर और पोटर
कई लोग इससे जुड़े और सबको एक रोजगार मिल सके। बिल्कुल सुमित, और क्या आसपास और लोग हैं जिनसे बातचीत हो सकती है, क्योंकि हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, समय कम है, अब चुनाव बेहद नजदीक है, तो ऐसे में आम जनता क्या मन बना चुकी है? दुकानदारों से हमने बात कर ली, लेकिन आम जनता भी अभी छूटी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बात कराने की कोशिश करता हूं, क्योंकि यहां पर अभी जो मैं जिस गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पे हूं, पर यहां पर अभी तक जो युवा हैं काफी दूर है, तो मैं आपको कोशिश करता हूं उनसे बात करवाने की। चलिए ठीक है, आप बात करिएगा। उससे पहले एक बात बताइए, आपने बताया कि आप नेशनल राष्ट्रीय राजमार्ग पर हैं, वहाँ पार्किंग की समस्या आपने बताई है कि आसपास पार्किंग की समस्या है, ट्रैफिक जैम रहता है, तो उससे निजात पाने के लिए आम जनता क्या करती है? जी बिल्कुल, यहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्या है अभी तक, तो यहाँ पर जो रोड की आप हालत देख रहे हैं, जो यहाँ पर आप गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग की जो हालत देख रहे हैं, वो अभी तक सही ढंग से ठीक नहीं हुई। और जहाँ पर जब यात्रा सीजन यहाँ पर चालू होता है, तो बारिश का मौसम भी जारी होता है, तो उस हिसाब से ये जो मार्ग है, जो ये राष्ट्रीय राजमार्ग है, काफी दिक्कत करता है, जिसमें लोगों को काफी दिक्कतें होती है इस मार्ग में। तो ये चीज है कि अगर पार्किंग देख पा रही हूँ, कुछ गाड़ियां खड़ी हैं, क्या उन लोगों से बात हो सकती है, उन्हें यहाँ से निकलने में किस तरह की परेशानी होती है, और क्या सारे रास्ते ये ठीक है, क्योंकि आपने राष्ट्रीय राजमार्ग बताया है इसे? जी, ये अभी राष्ट्रीय राजमार्ग एक नगरी एरिया है, तो यहाँ पर अभी गाड़ी पार्किंग देख सकते हैं आप, राष्ट्रीय राजमार्ग पर गाड़ी ऐसी पार्किंग की हुई है, और यहाँ पर जो गाड़ी के जो मालिक है वो यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं, तो काफी एक पार्किंग की काफी बड़ी समस्या है उत्तरकाशी, जो गंगोत्री विधानसभा से काफी पार्किंग की काफी समस्या है। ठीक है सुमित, एक और चीज बताइए कि इस कोरोना काल में लोगों को बहुत परेशानी हुई, उसके बाद फिर वैक्सीन आई, वैक्सीनेशन क्या उत्तरकाशी में 100% हुआ है? जी, उत्तरकाशी की मैं बात की जाऊं, जहां पर कोविड की जो वैक्सीन जो है वो काफी सही ढंग से पूरी की गई है, और यहाँ पर क्षेत्र क्षेत्र में जो वैक्सीनेशन है वो पूरी तरह से सबको किया गया है। जी, सिर्फ शहरी इलाकों में या ग्रामीण इलाकों में भी सुमित? ग्रामीण इलाके की बात की जाए, तो ग्रामीण इलाकों में अभी कुछ परसेंट है जो वैक्सीनेशन है, और कुछ लोग हैं जो अभी काफी छूटे हुए हैं, तो इस हिसाब से देखना होगा स्वास्थ्य विभाग को। आज कुछ भीड़ भाड़ कम लग रही है सुमित, क्योंकि लोग नहीं मिल पा रहे हैं बातचीत करने के लिए, क्या वजह हो सकती है? मैम, अभी चुनाव, जो चुनाव का दौर है वो अभी जारी है, लोग प्रचार प्रचार में अपने जो प्रत्याशी है उनको, उनके समर्थन में अभी क्षेत्र भ्रमण में है, तो इसलिए आजकल जो पब्लिक है वो उतना नहीं मिल पा रही है, क्योंकि सब प्रचार में लगे हैं अपने अपने प्रत्याशी अपने अपनी पार्टी के लिए। अच्छा ठीक है, इसके अलावा जो प्रत्याशी हैं, आचार संहिता का यहाँ पर देख रहे हैं या पूरी तरह से उल्लंघन हो रहा है? क्योंकि बहुत सारी खबरें उत्तराखंड से आती हैं कि यहाँ पर आचार संहिता का उल्लंघन प्रत्याशी पुरजोर तरीके से कर रहे हैं। जी, आचार संहिता की बात को, जो भी प्रत्याशी अगर क्षेत्र भ्रमण में जा रहे हैं, तो यहाँ पर काफी उनके साथ काफी आक्रोश भीड़ दिखी जा रही है, और काफी जुलूस के साथ गांव में जा रहे हैं, तो इसमें थोड़ा बहुत देखा जा सकता है कि जो आचार संहिता का उल्लंघन है वो साफ तौर पर थोड़ा बहुत हो रहा है, क्योंकि यहां पर कई लोग ऐसे हैं जो बिना मास्क के प्रचार प्रचार कर रहे हैं। बिल्कुल, इससे पहले हमने देखा था सुमित, कुछ जो ट्रैवल एजेंसियां हैं वो कहीं ना कहीं परेशान हुई थी इस कोरोना काल में, ऐसे में उन्होंने मांग की थी कि हमारे बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए, उसको लेकर सरकार और इन एजेंसियों के बीच क्या कोई चर्चा हुई, अब क्या एजेंसी खुश हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर मैं अभी बात करूँ, जहाँ पर मैं भी स्थित हूँ, यहाँ पर एक दुकान है काफी, तो इनसे जरा बात करना चाहता हूँ कि क्या है इस बार गंगोत्री विधानसभा सीट से आपको किसको देखना चाहते हैं? जी, क्या लगता है इस बार कौन सी सरकार को आप चाहते हैं इस बार? इस बार हम कांग्रेस को चाहते हैं। जी, क्या बीजेपी से क्या नाराजगी है? बीजेपी से नाराजगी नहीं भाई, जब पिछले 5 साल नहीं हुए तो इस साल क्या करेंगे, हमें इस बार फिर कांग्रेस चाहिए। जी, आपको क्या लगता है इस बार किस सरकार को देखना चाहते हैं? तो बीजेपी को चाहते हैं। जी, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो बीजेपी को चाहते हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि कांग्रेस को चाहते हैं, यहाँ पर मैं भी जिस दुकान पे हूँ
जो बीजेपी सरकार से काफी परेशान है, जो महंगाई का दौर चल रहा है उससे काफी परेशान है। यहाँ पर मेरे साथ कुछ युवा हैं जी, आपका क्या कहना है कि इस बार किस सरकार को देखना चाहते हैं, किसको अपना मत देना? अभी कुछ ऐसा कुछ नहीं है, पर अभी काम करेगी सरकार उसी को लाएंगे। जी साफ तौर पर कहना है जो सरकार काम करेगी हमें उसी को अपना वोट देंगे जी। तो काम अभी फिर मौका दूसरी सरकार को देना होगा, तभी तो पता चलेगा कि सरकार काम करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि इन 5 सालों में बीजेपी सत्ता में थी, क्या काम किया है वो तो सबके सामने है जी। यहाँ पर मेरे साथ कुछ साथी हैं तो इनसे पूछना चाहता हूँ, चुनावी दौर है, इस बार क्या देखना चाहते हैं, किस सरकार को देखना चाहते हैं? जो विकास में वो रखे विश्वास, और हमारे हमको ऐसी सरकार जो यहाँ का विकास करे। आम आदमी पार्टी को लेकर पूछिएगा सुमित इनसे, आम आदमी पार्टी लेकर क्या है आपका राय? कर्नल कोठियाल जी भी हैं, कोठियाल जी तो खैर उस हिसाब से बहुत है, यूथ ब्रिगेड उनके साथ बहुत है, लेकिन अभी देखते हैं अभी क्या होता है चुनाव पर। यहाँ पर कोठियाल जी से भी लोग मन बना रहे हैं, यहाँ के जो लोग हैं यहाँ पर मिली जुली प्रतिक्रिया सुमित यहाँ देखने के लिए मिलती है। कुछ लोग बीजेपी के साथ हैं, कुछ लोग कांग्रेस को वापस लाना चाहते हैं, कुछ लोग अब तीसरा विकल्प ढूंढ रहे हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए ठीक है सुमित, बहुत शुक्रिया आपका, हमें अपने समय दिया और तमाम लोग जो आपके साथ जुड़े, और उससे कहीं ना कहीं समझ में आया है कि उत्तरकाशी में किस तरह का माहौल है और किस तरह आगे चुनावी माहौल देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। कुछ लोग यही कह रहे हैं कि हम वापस बीजेपी को चाहते हैं, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि हम चाहते हैं कि इस बार बदलाव हो, तो कांग्रेस पर कहीं ना कहीं कुछ लोग विश्वास जता रहे हैं। वहीं कर्नल अजय सिंह कोठियाल पर बहुत लोगों का विश्वास बना हुआ है, जैसे कि अभी आपने सुना भी होगा, कुछ युवा ये कह रहे हैं कि युवा ब्रिगेड पूरा उनके साथ है। तो ऐसे में उत्तरकाशी की जनता किसको चुनती है ये तो हमें 10 मार्च के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, कल फिर लौटेंगे कुछ और विधानसभाओं के साथ, वहां के हालात जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।